नमस्कार, आप देख रही हैं इंडिया क्राइम न्यूज 24। जिला सांबा के राजपुरा से सारथिया जाने वाली सड़क कुछ दिन पहले बारिश के तेज बहाव से बह गई थी, लेकिन विभाग की तरफ से आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जम्मू से निखिल मंगोत्रा की रिपोर्ट, देखते रहिए इंडिया क्राइम न्यूज 24। हमारे जी बॉर्डर के कम से कम 15-20 गाँव होंगे जो इस बरसात के मौसम में हर साल 15 साल से 20 साल से यही धंधा चल रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट कहाँ पैसे बेचती है, कहाँ काम कराती है। हमारे बॉर्डर को तो कोई नहीं देखता, चाहे बीजेपी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे जम्मू यूनियन टेरिटाइजर, चाहे स्टेट थी। हमारे लिए यही था जो हमने देखा अपनी उम्र के हिसाब से, यही देख रहे हैं। हर साल हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में राजपुर में आते हैं। जो भी काम होगा हमारा राजपुर में, बैंक हमारा राजपुर में, पोस्ट ऑफिस राजपुर में, जो मेडिकल सुविधा हो राजपुर में, स्कूल राजपुर में, तहसील राजपुर में, फल सब्जी भी लेना हो हमने बच्चों के लिए तो भी राजपुर से लेते हैं। आना कैसे हमारा रास्ता लेते, हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही रोने रोने चलते चले गए, हम भी चले जाए और बच्चे पता गया बच्चों के लिए भी बनेगा कि नहीं बनेगा। कितने दिनों से ये रास्ता टूटा हुआ? ये सर अभी तो हफ्ते भर से टूटा है, बस अभी टूटा रहेगा। जब गर्मी आई अप्रैल महीना 2-3 टिकट डाल दिया, बस अप्रैल से चलेगा, तो फिर बस जुलाई को जून अगस्त को दोबारा बह जाएगा, फिर पूरा साल ऐसा ड्रामा चलेगा। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हम यही करते हैं, हमारी यही रिक्वेस्ट है इसको अच्छी तरीके से बनाया जाए। जो ठेकेदार लगाते हैं, जो महकमा पैसा भेजता है, महकमा उसकी गौर करके क्या लगा रहे हैं, मटेरियल क्या नहीं लगा रहे हैं, और ढंग से बनाया जाए। तो हमारे लिए यही शुक्रिया बन जाए। हम सांस का सूखी की सांस जी हमारे सर, मैं साथी का रहने वाला हूँ सर। इधर हर साल पूल मतलब टूट जाता है, हर साल इधर कोई देख रेख नहीं करता है। हर साल मतलब हमें ऐसे जाना पड़ता है, सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं इधर, फिर से टूट जाता है, थोड़ी सी मिट्टी डाल के फिर हमारा समस्या हल कोई नहीं होता। कितनी बार ये रोड टूट चुका है सर? ये टूटता रहता है, थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं, थोड़े से एक ट्राली 2 ट्राली मिट्टी डालते हैं, वो थोड़ा सा डालते से चले जाते हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि ये थोड़ा जल्दी थोड़ा हो जाए काम, ऐसी परेशानी हो रही है हमें। नाम बिलावरा जी, मुजफ्फर रहने वाला हूँ। ये सारथी है जी, सारथी गांव के पास हमारा पुल टूटा हुआ है, जहाँ से आगे जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते जी, और कहीं भी जाने के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, और हमारी समस्या ये है कि हम कहीं जा नहीं सकते इस रास्ते की वजह से। कितने दिनों से ये रास्ता टूटा? ये लगभग एक हफ्ते हो गया, बारिश जब से शुरू हुई तब से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा निपटारा हो, जिससे हम भी शांति।